जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल डिफेंस करियर पे। यूपी पुलिस 49,568 वैकेंसी के रिजल्ट का वेट, जिसका हम सभी लोग बेसब्री के साथ कर रहे थे और पूरी उम्मीद थी कि 16 नवंबर तक आप सभी का रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, बट आप सभी की आशाओं पे पानी फेर दिया है भर्ती बोर्ड की तरफ से। और अभी आप सभी को कितने दिन का और इंतज़ार करना पड़ सकता है वो भी डेट संभावित है, कंफर्म डेट नहीं बताई गई है। आप लोगों के जो नतीजे हैं वो कब तक जारी किए जाएंगे, और जो नई न्यूज़ है आज के जो न्यूज़पेपर में निकली हुई है अमर उजाला में, उसको आपको मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके मुताबिक आपका जो रिज़ल्ट है वो कब तक आपका रिज़ल्ट जो है आपको देखने को मिलेगा यूपी पुलिस की वेबसाइट पर, इस वीडियो में हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, 2 से 3 मिनट की वीडियो होने वाली है और आपको पूरा अपडेट जो है मालूम हो जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम आपको न्यूज़पेपर की कटिंग पे लेकर चलते हैं सीधा, और देखते हैं कि न्यूज़पेपर की कटिंग में क्या बोला गया है भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से। तो ये अमर उजाला की न्यूज़पेपर की कटिंग है और उस पर उसकी जो न्यूज़ डायरी होती है उस पर क्या बोला गया है आपको पूरा दिखाते हैं, पूरा विधिवत आपको एक एक पॉइंट पढ़ के और उसका जो निष्कर्ष है वो भी आपको इसमें बता दें। सिपाही भर्ती परीक्षा 2018 का नतीजा कल आने की संभावना, तो ये भी एक संभावना है, 100% जो है वो कन्फर्म डेट नहीं है, तो कल शाम तक आने की संभावना बताई जा रही, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो दोस्तों आपको सबको पता होगा कि भर्ती बोर्ड जो है यूपी पुलिस की जो भी वैकेंसी है आज तक कभी सही टाइम पे तो नहीं हुई है, बट मुझे नहीं लगता कि ये कल शाम तक भी रिजल्ट इसका आने वाला है। फिर भी चलिए आगे पढ़ते हैं क्या बोला गया है, लखनऊ से न्यूज़ है हेडक्वार्टर से। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 49,500 बोला गया है, 568 जो भी वैकेंसी है आपको मालूम है, से अधिक पदों के लिए आयोजित की गई सिपाही भर्ती परीक्षा 2018 के नतीजे सोमवार को जारी कर सकता है। इस परीक्षा में 16.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। परीक्षा के परिणाम को लेकर भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष आर के विश्वकर्मा ने कहा कि नतीजे सोमवार को जारी किए जा सकते हैं, इसके बाद दस्तावेजों का परीक्षण, शारीरिक मानक जांच व शारीरिक दक्षता परीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया जनवरी तक पूरी होने की उम्मीद है। तो एक ये संभावना है कि कल यानी कि 18 नवंबर यानी कि कल तक एक संभावना है कि आप सभी लोगों का जो रिज़ल्ट है वो शाम तक जारी कर दिएगा, बट 100% से और नहीं है। तो ये जो आपकी संभावना है ये आगे भी बढ़ सकती है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि भर्ती बोर्ड आज तक कभी अपने कोई भी मायने में खरा नहीं उतरा है, हर एक चीज़ एक निश्चित समय पर कभी भी नहीं हुई है। तो ये आगे बढ़ने की चांसेस 50% है, तो मैं इस बार इसको 50% ही चांसेस मानता हूँ कि रिज़ल्ट जो है कल आने की उम्मीद है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि जनवरी तक आप सभी की जो डाक डीवी और पीएसटी जो है वो जनवरी तक करा ली जाएगी, तो ये पूरा प्रोसेस जो है दिसंबर और जनवरी पूरा चलने वाला है 2 महीने, और लास्ट नवंबर लास्ट से स्टार्ट हो जाएगा। तो वेट करते हैं कल शाम तक का फिर से एक बार रिज़ल्ट का, और इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई सूचना के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।